अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली जमात, तो जैसा कि बच्चों हम लोग ग्रांटस टू रिवीजन पेपर को हम समझ रहे हैं, तो पहली बिट हमको समझ आ चुकी है, इसकी प्रैक्टिस, इसकी मशक हो चुकी है। तो आज हम सेकेंड बिट की जानिब बढ़ेंगे बच्चों, और वो क्या है देखिए, दर्जे ज़ेल हरफों को मिलाकर लिखो, मिलाकर लफ्ज़ बनाना है आप लोगों को। देखिए ये जमा हटाकर आपको एक लफ्ज़ बनाना है, जैसे कि अलिफ जमा, दाल जमा, रौ जमा, काफ मसावी अदरक, दाल जमा, रौ जमा, ज़ा जमा या मसावी दर्जी, रा जमा, वउ जमा, ज़ा जमा, हा मसावी रोज़ा, वउ जमा, रौ जमा, दाल जमा या मसावी वर्दी, दाल जमा, वउ जमा, अलिफ जमा, ता मसावी दवात, वउ जमा, अलीफ जमा, रौ जमा, सा मसावी वारिस, रौ जमा, वउ जमा, अलीफ जमा, जी मसावी रिवाज, अलीफ जमा, रौ जमा, वउ जमा, या मसावी अरवी, वउ जमा, रौ जमा, ज़ा जमा, शीन मसावी वर्दिश, दाल जमा, वउ जमा, अलीफ मसावी दवा, डाल जमा, अलीफ जमा, लाम मसावी डाल, अलीफ जमा, रौ जमा, मीम मसावी इरम। तो आपको देखिए बच्चों, ये प्लस हटाकर यानी जमा की अलामत हटाकर आपको यहाँ पे एक लफ्ज़ बनाना है। अब तीसरी बीट देखिए बच्चों, 10 दो हरफी अल्फाज लिखिए, आपको 10 दो हरफी अल्फाज लिखना है, जैसे कि अलीफ बा अब दाल सीन दस, रौ सीन रस, अलीफ नून उन, अलीफ सीन उस, डाल रे डर, वउ हा वह, रा तारुत, अलीफ ला उड़, दाल वउ दो। दो हरफी अल्फाज जिसमें दो हर्फ हों। चौथी बीट की जानिब बढ़ते हैं बच्चों, चौथी बीट है एक जैसे हर्फ पर दायरा लगाकर रंग भरिए, दायरा मीन्स गोलाई लगाकर उसमें क्या करना है, रंग भरना है। जैसे कि यहाँ पर जीम है, तो यहाँ पर ये चारों हर्फ में से वो वाला हर्फ ढूंढना है आपको, उसको सर्कल करके उसको उसके अंदर कलर करना है। दाल देखिए ढूंढना है, उसको सर्कल करना है, कलर करना है। सा बा को ढूंढिए, सर्कल कीजिए। अलिफ अलिफ को ढूंढिए, इसमें सर्कल कीजिए। खौफ खौफ को ढूंढिए, सर्कल कीजिए और उसमें रंग भरिए। सौद सौद को ढूंढिए, ढूंढ कर उसमें क्या कीजिए, रंग भरिए। मीम मीम को ढूंढिए, यहाँ पर सर्कल कीजिए। या को ढूंढिए, सर्कल कीजिए। नून को ढूंढिए, सर्कल कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों फोर्थ बीट की जानिब। फोर्थ बीट है बच्चों नए अल्फाज बनाइए, नए अल्फाज बनाइए। वो किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर सर्कल में एक हर्फ दे दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर डैश लगाकर और एक हर्फ दे दिया गया, ये दोनों हर्फों को मिलाने से एक लफ्ज़ बन रहा है। और वो क्या लफ्ज़ बन रहा है देखिए, काफ अलीफ, यहाँ पर डैश में क्या है, मीम। पहले काफ अलीफ यहाँ पर लिखेंगे हम, फिर मीम को उसके बाद बाजू लिख देंगे, तो बनेगा ये काफ अलीफ मीम काम। ठीक है, फिर हम दूसरे डैश में भी क्या करेंगे, काफ अलीफ लिखेंगे, फिर दूसरे डैश में क्या है, जीम है, तो उसको मिलाकर पढ़ेंगे एक साथ लिख कर, यहाँ पहले काफ अलीफ जीम काज। फिर हम तीसरे लफ्ज़ को बनाने के लिए भी काफ अलीफ पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर शीन लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, फिर हम उसको मिलाकर पढ़ेंगे क्या बन रहा है। देखिए काफ अलीफ शीन काश। फिर चौथे लफ्ज़ की जानिब बढ़ते हैं, चौथा लफ्ज़ क्या बन रहा है देखिए, काफ अलीफ लिखेंगे, फिर यहाँ पर टा है तो उसको लिखेंगे, तो पढ़ेंगे आप काफ अलीफ टा, क्या बनेगा, काट, काम, काज, काश, काट। तो सब में काफ अलीफ पहले लिखेंगे और बाद वाले हर्फ को जोड़कर एक एक लफ्ज़ बनाएंगे। दूसरे सर्कल में क्या है देखिए बच्चों, जीम वाउ, जीम वाउ, फिर उसके बाद जो डैश के बाद जो और एक लफ्ज़ दे दिया गया है और एक हर्फ दे दिया गया है, वो दोनों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाएंगे। जैसे कि ऊपर में हमने डैश का काफ अलीफ पहले इस्तेमाल किया, फिर बाद में जो हर्फ है वो इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद उसको लफ्ज़ बनाए, तो यहाँ पर भी इस सर्कल में जो हर्फ है पहले यहाँ पर वो लिखेंगे,
फिर उसके बाद जो डैश में दे दिया गया वो लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ पढ़ेंगे। जीम वाउ, पहले जीम वाउ लिखेंगे, फिर यहाँ ता अलीफ है, ता लिखेंगे, जू ता, फिर जीम वाउ पहले लिखेंगे, फिर यह यहाँ पे क्या है, शीन, जीम वाउ शीन, जोश, जीम वाउ, फिर जीम वाउ यहाँ पे पहले लिखेंगे, यहाँ क्या है, अड़ा, जीम वाउड़ा, जोड़, जीम वाउ पहले लिखेंगे, फिर गाफ लिखेंगे, जोग, जूता, जोश, जोड़, जोग। तो ये हमने नए लफ्ज़ बनाए। फर्स्ट आप क्या करेंगे, सर्कल के लफ्ज़ को लिखकर बाद में उसको बाद वाले हर्फ से जोड़कर लफ्ज़ बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चौथी बीट। अब पांचवी बीट की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। हरूफ तहजी जो नहीं है लिखी, नहीं लिखी है वो आप लोगों, आप लोग लिखिए। यानी आपको अलिफ लिखकर दो डैश दे दिए तो क्या आएंगे अलिफ के बाद, ब, प। यहाँ पर ता है, ट, स। जीम है, चीम, ह, खा। तो यहाँ पर है ख, दाल, डाल। दाल यहाँ पर है, र, अड़ा, ज, स। सीन है यहाँ पे, शीन, सौद। जौद है यहाँ पर, तो, जो। आयन है यहाँ पर, गाइन, फा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पांचवी बीट भी समझ में आई होगी, ठीक है। इन सारे बीट्स की मश आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।